जौ का भुजा भुजने का सबसे आसान तरीका और सही तरीका आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सारे अनाज का दोस्तों भुजा भूजी जाती है, लेकिन उसमें से एक ऐसा अनाज है जो कि जौ है, इसका भुजा तैयार करने के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जौ लेंगे और इस जौ का हमें छिलका को हटाना पड़ेगा। चाहे आप मिक्सर से जौ का छिलका हटाएं या ओखली मूसर के द्वारा आप जौ का छिलका साफ़ करें। तो जौ का छिलका कैसे साफ़ करें है ना, इसका पूरा पूरा वीडियो मैं बना करके अपने पूजा फूड ब्लॉग पर अपलोड की हूँ, आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा पूरा प्रोसेस के साथ। आप चाहे तो मिक्सर से भी जौ का छिलका हटा सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, और ओखली मूसर से भी जौ का छिलका साफ़ कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तरह का मतलब जौ दिख रहा है। तो जो वाइट वाला जौ है ना, ये मार्केट से मैं लाई हूँ। अगर आपके मार्केट में मिल रहा है, किराना दुकान में मिल रहा है, वहाँ से आप ले लीजिए, नहीं तो मेडिकल स्टोर पर मतलब जौ भी इस तरीके से छिलका हटाया हुआ मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से जौ का छिलका अपने ही हाथों से साफ़ करना पड़ेगा। जो कि देखिए मैंने ये हाथ में जो लिए है ना, ये मैंने खुद से इस जौ का छिलका को मैंने निकाला है ओखली मूसर से, ठीक है। तो इसी जौ का हमें भुजा तैयार करना है दोस्तों। छिलके के साथ कभी भी भुजा तैयार नहीं की जा सकती है और ना ही उसका सत्तू तैयार किया जा सकता है। तो इसमें से हमको जितना बनाना है भुजा उतना मैं ले लेती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जौ जो है ना थोड़ा हार्ड होता है, और हल्का सॉफ्ट भुजा खाने के लिए ना ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना होगा। जो लोग भी गांव से बिलोंग करता है ना, जो लोग जाके घोसारी में भुजा भुजवाया होगा, ये वाला प्रोसेस वो लोग ज़रूर करता है, ठीक है। तो लीजिए यहाँ मैंने पानी का छींटा जो है डाल दिए हैं, और डालने के बाद मैं देखिए बिल्कुल भी हाथ में पानी आ नहीं रहा है, और सारा जो है जौ का दाना जो है एकदम मतलब भींग गया है। इसको कपड़ा से हम ढक देते हैं और कपड़ा के ऊपर भी हम पानी का छिड़काव कर देते हैं, ताकि जो सूखे नहीं, बराबर मेंटेन रहे। और इसे इस तरीक़े से कम एक से दो घंटा तक छोड़ देंगे, ठीक है। दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक घंटा से कम नहीं होना चाहिए। तो लीजिए यहाँ पे हो गया है अढ़ाई तीन घंटा के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दूसरा काम कर रही थी। तो देखिए काफ़ी अच्छा जो है ये अनाज जौ जो है सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है, और देखिए इजली नाखून से टूट भी जा रहा है। तो बस एकदम अच्छा है, इसी तरीका का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जौ का भुजा भुजने के लिए, या कोई भी अनाज का अगर भुजा भुजना है ना, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए है ना। तो गांव में तो इजली लकड़ी मिल जाता है, लेकिन शहर में बड़ी मुश्किल होता है ये सब चीज़ जुगाड़ करना। तो मैं इसको लाई हूँ, जो धनिया पत्ता करी पत्ता लोग बेचते हैं ना, उनसे मैं मांग कर लाई हूँ, और सारे स्टिक को मैंने बराबर करके मैंने तोड़ा है, और इसको मैं धो लेती हूँ। मार्केट से लेकर आई हूँ तो मैं इसको धो लिया। और यहाँ पर हमने गैस पर नमक रखे हैं पहले से गर्म होने के लिए। अगर आप गांव से वीडियो देख रहे हैं तो आपके तरफ तो बालू इजली मिल जाएगा, लेकिन आप बड़े शहर में जहां बालू नहीं मिलता है, वहां आप नमक से भी भुजा भूज सकते हैं मेरी तरह। तो यहां पर हम सारे सेटअप को लगा देते हैं, झरना हो गया, किस में हमको झारना है, ताकि जब भी हम भुजा भूजने के लिए स्टार्ट करें ना, तो मतलब सारा चीज़ पास में होना चाहिए। तो थोड़ा सा जौ जो है हम नमक में डाल करके चेक कर लिए हैं कि मतलब नमक जो है काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, और आँच जो है एकदम हाई फ्लेम में होना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए हम यहाँ थोड़ा सा, एक कटोरी से थोड़ा सा कम जो है डाल रही हूँ, और इसको हमें कंटिन्यू चलाना है, ठीक है। हमें हमारा हाथ जो है रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे का क्या हो जाएगा ना, जल जाएगा, और ऊपर का कच्चा रह जाएगा, और सारा जो जौ का जो दाना है ना, एक बराबर मतलब उजा करके तैयार नहीं होगा, खिला खिला सा। देखिए आँच का जो आँच जो है एकदम हाई फ्लेम में है, और देखिए सारा दाना आप ध्यान से देखिए, सारे दाना क्या हो गया ना, खुल खुल गया है, वाइट वाइट दिख रहा है ना, मतलब काफ़ी अच्छा जो है ये जौ का भुजा भुजा रहा है। आप कोई सा भी अनाज, चावल हो गया, मक्की हो गया, मकई हो गया, चना हो गया, इसी प्रोसेस से सारे भुजा को भूज जाती है, लेकिन जौ को भूजने के लिए ना, सबसे पहले जौ का छिलका हटाना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए ये भुजा गया, आँच को हम यहाँ पे कम कर दिए हैं। आप चाहे तो दोनों तरफ से कपड़ा पकड़ के कढ़ाई को एक बार में ही भी उतार सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप करछुल से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सारा को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है,
और इसको मैं झाड़ देती हूँ। इसीलिए आप सारा व्यवस्था करके ही मतलब भुजा भूजने चले, क्योंकि झरना इधर है, कढ़ाई इधर है, कपड़ा उधर है, तो फिर भुजा जो है जल जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा जो नमक जो है झर गया है और भुजा बनके तैयार हो गया है। फिर उसी नमक को वापस हम डाल देंगे, और ये नमक जो है ना दोस्तों ठंडा हो गया है, तो हमें अभी उसमें जौ नहीं डालना है। उस नमक को हमें कम से कम 2 मिनट तक गर्म करना है, और इसको भी झरना को मैं यहाँ पे खाली कर लेती हूँ ताकि सेकेंड बैच में फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा झरना को, है ना। देखिए कितना इसका मुँह जो है खिला खिला बन के जौ का भुजा जो है तैयार हो गया है, है ना। और यहाँ पे हम 2 मिनट तक गर्म होने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद ही काफ़ी अच्छा गर्म हो जाता है, और लोहा के कढ़ाई में भुजा भुजना बहुत आसान होता है, क्योंकि लोहा का जो कढ़ाई होता है ना दोस्तों वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, तो लीजिए यहाँ भी मैंने एक कटोरे से थोड़ा सा कम मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ। कंटिन्यू चलाएँगे इसको। जौ का भुजा जो है ना दोस्तों, बहुत लोग क्या करता है ना, मैंने यूट्यूब चैनल पर देखी हूँ कि मतलब जौ को छिलका नहीं उतारते वो लोग, डायरेक्ट भुजा को भूज देते हैं और डायरेक्ट उसका सत्तू भी पीस देते हैं। वो एकदम गलत प्रोसेस है दोस्तों। जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है ना, अगर वो इस तरीके से कभी जौ का भुजा भूजा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छिलका उतारने के बाद ही जौ का भुजा भुजाता है या सत्तू तैयार होता है। मैं गाँव की से बिलोंग करती हूँ, और हम लोग घोसारी में जाते तो इसी तरीक़े से मतलब वो लोग जो घोसारी वाली जो होती है ना, अनाज को पहले भिंगवाती है फिर भूजती है, और इस तरीके से छिलका उतार कर ही भुजा को तैयार किया जाता है या सत्तू का तैयार किया जाता है। तो जो एकदम सही प्रोसेस है वही मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और सारे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मतलब भूज लिए हैं, और इसको मैं साफ़ कर देती हूँ इस तरीक़े से हाथ से रगड़ के। गरम गरम भुजा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। पूरा ये वीडियो मैं तो शूट की हूँ, एकदम गांव का याद आ गया है ना, और कितना सुन सुन महक रहा है। तो जो भी देखिए कचरा वगैरह है सब निकल गया फटक देने से, बस आप इसको डिब्बा में रख दीजिए और इसको इंजॉय करिए। जौ एक ऐसा अनाज है आपको किसी न किसी फॉर्म में खाना चाहिए, चाहे आप रोटी खाइए, दलिया खाइए, सतुआ खाइए। तो हर दिन रोटी दलिया तो नहीं बन पाता है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है, मन नहीं करता। तो इस तरीके से आप भुजा बना करके डब्बा में कर लेंगे तो आराम से एक मुट्ठी निकाल के खा सकते हैं, और जौ का पूरा पूरा फ़ायदा जो है आप ले सकते हैं। दोस्तों ये सही तरीका आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और पूजा फूड ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग रेसिपी में, अलग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।